हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को। तो जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं मेडिकल नर्सिंग के, आज के जो टॉपिक है वो है हमारा फिशर के बारे में। फिशर के बारे में हम लोग बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और हम लोग फिशर के लक्षण, फिशर होता क्या है, कितने प्रकार के होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सब कुछ जानेंगे डिटेल्स में। और यह फिशर क्यों होता है, क्या करना चाहिए, घरेलू उपाय, इस पर हम लोग बातें करेंगे। और आप एक आम इंसान भी है तो आप फिशर से कैसे राहत खुद को कर सकते हैं, कैसे फिशर से बच सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल पर ऐसे ही अच्छे अच्छे जानकारी टॉपिक के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, आगे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले बात है फिशर को आप लोग को समझना चाहिए। फिशर जो होता है, मैं बता दूं कि फिशर एक ऐसा रोग है जो व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यह रोग अगर आपको एक लंबे समय तक बना रह जाता है तो फिर आपको सर्जरी करवाना पड़ता है। तो अगर स्टार्टिंग में आपको फिशर होता है तो आपको कुछ चीज़ें के राहत करके, कुछ चीज़ें अपनाकर आप ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले फिशर होता क्या है, आम भाषा में फिशर को जाना जाए तो फिशर जब हम लोग मल त्यागते हैं, मल जहाँ से पास होता है उस रास्ते पर, जहाँ से मल निकलता है बाहर, उस वृत्ताकार जो रास्ता होता है मांस वाला, मसल्स वाला, उसमें चीरा लग जाता है, उसमें फट जाता है और उस वही जो होता है फिशर होता है। फिशर होने पर जैसे मान गए, फिशर किसी व्यक्ति को अगर होता है तो क्या क्या लक्षण होता है। फिशर होने का सबसे पहले हम लोग कारण समझते हैं, फिर हम लोग लक्षण समझेंगे। फिशर होने का जो सबसे लक्षण, मेन कुछ लक्षण है, वो लक्षण होता है कि लंबे समय से कब्ज रहना। कब्ज अगर आपको होता है, बहुत खतरनाक वाला कब्ज होगा, तो उस कंडीशन में आपको फिशर हो सकता है। अगर आपका जो स्टूल है, मल जो है, मल अगर आप मल आपका बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा कड़ा है, तो उस कंडीशन में जो है आपको फिशर हो सकता है। क्योंकि जो मल त्यागते समय जो फिशर जो बनता है, जो चीरा लगता है एनस मल द्वार के आसपास, जो चीरा लगता है, जो फट जाता है मल त्यागते में, वही जो है आपको फिशर कहलाता है। तो अगर आपका मल बहुत ज़्यादा हार्डनेस है, बहुत ज़्यादा कड़ापन है मल में, त्यागने में बहुत ज़्यादा कड़ा लगता है, तो सावधान हो जाइए, यह आपके फिशर का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। प्रेगनेंसी में भी देखा जाता है फिशर हो जाता है। महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उससे भी जो है फिशर होते हैं, मीन्स मल त्यागने में जो मल का रास्ता है उसमें चीरा लग जाता है बाहर तरफ से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होता है। बहुत ज़्यादा दस्त होना, मतलब बहुत ज़्यादा बार बार मल होते 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 जो मसल्स होता है वहाँ का, उसमें जो है आपको क्या आ जाएगा, बहुत ज़्यादा रुखनेस आ जाएगा, बहुत ज़्यादा रिडनेस आ जाएगा, और वह जो है क्या हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा चीरा लग सकता है। अब ये जो मैंने क्या बताया, बहुत ज़्यादा कब्ज बनना कारण, दूसरा कारण हार्डनेस स्टूल, मतलब मल बहुत ज़्यादा टाइट होना, समझ गए, दस्त होना बहुत ज़्यादा लगातार, उसके बाद प्रेगनेंसी, ये सब कारण बनता है जहाँ पे आपके मल त्यागने वाले रास्ता में चीरा लग सकता है, जिसे हम लोग फिशर कहते हैं। अब फिशर के लक्षण क्या होते हैं, तो फिशर के कारण समझ गए, लक्षण क्या होता है। तो लक्षण में फिशर का लक्षण होता है कि जब मल त्यागने जाते हैं और अगर आपका मल बहुत ज़्यादा हार्ड निकल रहा है तो वह आपके मलाशय को, मल द्वार को चीर देगा, फट फाड़ देगा, उसमें फट हो जाए, उसमें चीरा लग जाएगा। अब चीरा लगते ही आपके ब्लीडिंग आने लगेगा, ठीक है, मल में ब्लीडिंग आ सकता है आपको। पहला लक्षण रक्त स्राव यानी ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है, मल के रास्ते से। दूसरा चीज है इचिंग हो सकता है, खुजलाहट हो सकता है उसमें। तीसरा लक्षण हो सकता है अपने आप को इरिटेट, उसमें फिशर होने के बाद इरिटेट टाइप के जो है आपको लगेगा, कहीं भी बैठिएगा सही से बैठ नहीं पाइएगा, बहुत ज़्यादा जो है पेन होगा, बाथरूम स्टूल
त्यागते समय, मल त्यागते समय बहुत ज़्यादा उसमें जो है आपको पेन होगा, दर्द होगा, ठीक है, खुजलाहट होगा, इचिंग होगा, इरिटेट लगेगा आपका मन, इरिटेट टाइप से दूसरे टाइप से मन लगेगा, बेचैनी सा रहेगा, ठीक है, रक्त स्राव होगा, समझ गए ना, बैठने में समस्या होने लगेगा, ठीक है, मल सही से आप नहीं त्याग पाइएगा जब फिसर होगा तो, क्योंकि जब भी मल त्यागने जाइएगा तो दर्द होने लगेगा, वो तो मल भी सही से नहीं त्याग पाएंगे। तो ये सब एक लक्षण होता है किसका, फिसर का। सबसे मेन लक्षण क्या है, पेन होगा, दर्द, मल त्यागते समय दर्द होगा, मल बगैर त्यागते समय नॉर्मल तौर पर भी अगर रहते हैं तो आपको बैठने में समस्या होगा, इरिटेट लगेगा आपको, ये सब फिसर का लक्षण होता है। किसी काम में मन नहीं लगेगा आपको, ये सब इसका लक्षण होता है, क्योंकि आपका बार बार ध्यान जो है नीचे आपके जो है मल वाला जगह जहाँ से मल त्यागते हैं उसी पर जाएगा, आपको इरिटेट लगेगा, ये सब कुछ लक्षण है। रही बात आप इससे कैसे बच सकते हैं, आप इसका घरेलू ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इससे पहले एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि आपको अगर फिसर है, किस प्रकार का फिसर है। फिसर दो तरह के होता है, एक फिसर होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट होता है मतलब अचानक से बाथरूम किए, किसी कारण से मल बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है, बहुत ज़्यादा कब्ज बन गया, मल बहुत ज़्यादा पास सही से नहीं हो रहा है अच्छे से, मल बहुत ज़्यादा हार्डनेस है, तो अचानक से मल त्यागने गए बाथरूम में तो वहाँ पे आपके जो है उस टाइम चीरा लग गया, मल पास करते समय मल बहुत हार्ड निकल रहा है तो चीरा लग गया, तो वह एक्यूट होता है। लेकिन यही चीज़ें अगर आपके बार बार कंटिन्यूअस हो रहा है आपके साथ में, बार बार आपका मल कईक दिनों कईक महीना तक बहुत ज़्यादा मल हार्ड आ रहा है, टाइट आ रहा है, सॉफ्ट आपका मल नहीं है, आपके मल निकलने में परेशानी हो रहा है, तो यही क्रॉनिक हो जाता है। लंबे समय तक ऐसा होने पर बार बार आपके मल वाले रास्ते पर चीरा लगेंगे, बार बार हार्ड मल निकलेगा, कड़ा मल निकलेगा, बार बार चीरा लगेगा, और यह धीरे धीरे क्रॉनिक रूप ले लेता है, यानी लंबे समय तक। अब दोनों का इलाज अलग अलग है। अगर आपका एक दो दिनों से हो रहा है, या पाँच छः दिनों से हो रहा है, या दस दिनों से हो रहा है, या कभी कभी ये समस्या होता है, तो इसका बहुत आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो डाइट लेते हैं, खान पान जो आहार लेते हैं, उससे मिर्च मसाला तेल का कमी करना है। अगर आपको लगे कि हमें फिसर आज जो है हमें मल के रास्ता में दरार पड़ गया है, फट गया है मल त्यागते समय, तो आपको सबसे पहले तेल मिर्च मसाला कम कर देना है। तेल मिर्च मसाला से कम करने से होगा क्या कि आपका जब मल त्यागेंगे और जो चीरा लगा है, जो फटा हुआ है, वहाँ पे ज़्यादा जलन महसूस नहीं होगा। जब आप सादा भोजन लेंगे तो उसी प्रकार से मल भी आपका निकलता है, अगर आप बहुत मिर्च मसाला वाला भोजन लेंगे तो मल भी वैसा ही आएगा, और फिर वो चीरा वाला जगह पर लगेगा तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकता है। तो खाना सिंपल कर दें, फाइबर वाला भोजन ले जो आसानी से पच जाए और जो बाथरूम भी बड़ी ही आसानी से निकाल दे, ऐसा आप जो है भोजन ले, फाइबर वाला रेशेदार भोजन ले, ठीक है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा दाल ले, ठीक है, साग ले, पालक ले, ठीक है, दलिया ले, ये सब फाइबर होता है जो आपको आसानी से मल त्यागने में मदद करता है। ये है, ठीक है, भोजन बिल्कुल सिंपल रेशेदार भोजन ले जो आसानी से पच जाए। बैठने की कोशिश जितना कम हो सके करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बैठिएगा आपको इरिटेट लगेगा, कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, समझ गए। कितना कोशिश कीजिए कि आपका कब्ज जो है आपका बहुत ज़्यादा न बने, बिल्कुल न के बराबर कब्ज बने, क्योंकि कब्ज बनेगा आप बाथरूम को जोर लगाएंगे बाथरूम करने में, बाथरूम आएगा हार्डनेस के साथ और वह फिर से जो है आपके मल द्वार को फाड़ेगा, तो फाड़ेगा फिर से आपका ब्लडिंग चालू हो जाएगा, ये चीज़ है। तो आप कोशिश करें कि आहार अच्छा ले, फाइबर वाला आहार ले जो आसानी से पच जाए, ठीक है। उसके बाद अगर आपके ये मामला 5 दिनों 10 दिनों से है ठीक नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आता है आपका एनेस्थेटिक जेल आता है। यह जेल आप अप्लाई करें मल द्वार पर, जेल आता है जो आपको उस जगह को सुन कर देगा, लगाने के बाद उस जगह को सुन कर देगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या इचिंग हो रहा है, क्या दर्द हो रहा है, आपको रिलैक्स महसूस होने के लिए
उस जगह पर एनेस्थेटिक जेल लगा सकते हैं, जो लिडोकोन जाइलोकोन ये सब आता है जनरल एनेस्थेसिया वाला, इसको आप लगा सकते हैं, नॉर्मल दुकान से मिल जाता है, ठीक है। एनेस्थेटिक जेल जो आपको फिसर के लिए, आपको दर्द को, इरिटेट को, इचिंग को कम करेगा, ठीक है। उसके बाद घरेलू उपाय में और क्या कर सकते हैं, एक प्लास्टिक का टब लीजिए, टब जिसमें आप बैठ सके, टब लीजिए, उसमें हल्का सहने योग्य वाटर को बॉयल कीजिए, उबालिए, सहने योग्य जो आप बैठ सके गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद उसमें अगर आपके घर में नमक, सबके घर में होता है, वह साल्ट डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, मिला दीजिए, और उसमें विदाउट कपड़ा 10 से 20 मिनट तक आप उसमें बैठिए, ठीक है। 10 से 20 मिनट तक उसमें बैठिए, इससे होगा क्या कि आपके मल द्वार पर जो सूजन होगा कम होगा, ब्लीडिंग होता होगा उसको कम करेगा, इचिंग को कम करेगा, और आपके दर्द से भी राहत देगा। तो ये हो गया, अगर आपके आसपास दुकान है और अगर आपको पोविडीन अगर वाइट सॉल्यूशन मिल जाता है, पोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन, वह सॉल्यूशन ले लीजिए, और उस टब में जिसमें पानी आप रखे हैं हल्का फल्का गर्म, उसमें पोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन डाल दीजिए, और तब जाके उसमें बैठिए, तो आपको और ज़्यादा फायदा देगा, समझ गए। तो ये सॉल्यूशन है। इसके बाद इसके लिए आप चाहें तो पेन, अगर पेन आपका नहीं जा रहा है तो पेन किलर टैबलेट भी आता है, पेन किलर दवाई भी ले सकते हैं। तो ये सब है एक्यूट के इलाज, 10 दिन 5 दिन 15 दिन से प्रॉब्लम है तो उसके लिए यह इलाज जो मैंने बताया कि एनेस्थेटिक जेल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, गर्म पानी में नमक डाल के या पोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन डालकर बैठ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एनेस्थेटिक जेल अप्लाई करें, पानी में बैठे, समझ गए, ये फाइबर वाला भोजन ले जो कब्ज कम से कम बनाए, ये सब चीज़ें हो गया। अगर यह समस्या कई एक महीना से आपको परेशान कर रहा है, सही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपके क्रोनिक पोजीशन में सर्जरी करवाना पड़ता है, और इस सर्जरी में जो आपके मल द्वार है, जो मसल्स वहाँ का जो आपके मल को रोकता है या फिर मल त्यागते समय वह खुलता है, तो उस वाले मसल्स जिसको एस्फिंक्टर कहते हैं, एस्फिंक्टर मसल्स कहते हैं, उस मसल्स के कुछ भाग को काट कर सर्जरी के द्वारा सही किया जाता है, वह क्रॉनिक मामले में होता है, समझ गए। और दूसरी चीज़ें, एक चीज़ और बता देते हैं, अगर मान गए आपके कभी फीसर होता है, बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होने लगे, तो इसके लिए आप एंटी हेमरोजिक दवा ले सकते हैं, ठीक है। दुकान पर आप जाइएगा, कहिएगा ऐसे ऐसे है, एंटी हेमरोजिक दवा आपके ब्लीडिंग को रोकने के लिए काम में आएगा, तो फिसर में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग अगर होने लगे तो एंटी हेमरोजिक दवाई भी आता है, ट्रेनेक्सामिक एसिड आता है, जिसका इस्तेमाल ब्लड को रोकने के लिए किया जाता है, तो इसका यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, और जो भी था संभव मैंने बता दिया। आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, बिल्कुल लेकर आएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।